कदूस मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, तुझे भला है तेरी शफ़क़त अब्दी है, तुझे ऊँगता नहीं तुझे सोता नहीं, और तुझे करोबियों पर बैठता और सहून में बुजुर्ग है। आज शाम तेरे खुदावन तेरे हजूर आते हैं, आज की परस्तिश और तेरे खुदावन आज की सारी तेरे खुदावन तेरी मदद सराही, तेरे खुदावन हमारी आवाज तेरे आलमे बाला पर सुनाई दे, और तेरा करम तेरा रहम तेरे खुदावंद आज उसे एक जान पर हो जो तेरे खुदावंद आज तुझे तेरे खुदावंद तेरी प्रस्तिश को सुने और तेरे खुदावंद आज इस अबादत में शरीक हो। अपने बच्चों पर रहम और तर्स करना तेरे खुदावंद, आज की सारी इबादत तेरे खुदावंद तेरे यस्सु नाम से तेरे खुदावंद हो, और तेरे खुदावंद तू हमारा हादी हमारा मददगार रहना, अपने रूह को कसरत से नाजिल करना मसीह यस्सु के नाम में। आज तेरे खुदावंद एक एक जान को, अगर आज तेरा कोई बेटी बेटा मुसीबत में है, अगर इनके अंदर तेरे खुदावंद आज कोई कमी है कोई बीमारी है कोई जारी है, देख आज इसकी जन्म से ही जान नहीं, लेकिन तेरे खुदावंद वो है जो वो चीजें मौजूद भी नहीं उनको भी ऐसे बुला लेता है कि जैसे वो पहले से ही मौजूद थी। आज तेरे खुदावंद मुर्दा हड्डियां, आज तेरे खुदावंद मुर्दा जिंदगियां, आज तेरे खुदावंद वो मुर्दा रूहें जिनको इब्लीस ने तेरे खुदावंद नुकसान पहुंचाया है। के कमास भले आई करदा सब नानाद, रामो दावद के कमास भले आई करदा सब नानाद, सब कर कर उस तो आप सऊदी अरेबिया में देख रहे हैं, आप यूएसए में हैं, कहीं भी हैं, हमारा खुदा बंदूर और नजदीक का खुदा है, वो आज आपकी बीमारियों से आपको रिहाई देने वाला है, आज आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल कसरत से जाहिर होने वाला है, क्योंकि वो अपनी कुदरत में गावे हम यहोवा दी, हम यहोवा दियो गावे, गावे हम यहोवा दी, जे कर दियो डिग पवे भी, जे खुदावंद पाक खुदा पड़े खुदावंद पाक टोली सचया
नाम पहचाना है। आज आपकी जिंदगी में खुदावंद काम करने वाला है। आज आपके बच्चों की नाफरमानी यीशु के नाम से दूर होने वाली है। आज आपकी जिंदगियों से सारे लोग मतलब चुहे टूटने वाले हैं, क्योंकि खुदावंद बड़ा है और उसका हाथ कभी है और वो छू सकता है। वो आज अपना हाथ बढ़ाकर आपको छूना चाहता है। अपने आप को उसके हाथों में दीजिए, क्योंकि वो मेहरबान है और आज उसकी आंखें मेहरबानी से आपको देखती हैं। जो यहोवा लश्कर आंदा आप साडे नाल है, उसने कहा तेरा दिला का आपको देख रहा है, उसकी सातों आंखें आपको देख रही हैं,
की आंखें जो आग के शोला की माने वो आप पर लगी हुई है, वो मेहरबान है, वो बड़े सफेद तख्त पर बैठा, उसके आगे से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। आज आपकी बीमारी, लाचारी, दुख, दर्द, पीड़ा, हर तरह की अबलीस की ताकत आपके घर से भागेगी, हर तरह के जादूगरी का असर यीशु के नाम से भागेगा, क्योंकि वो मेहरबान है और उसका हाथ अब तक बड़ा हुआ है, उसकी बादशाही को कुछ जवान नहीं, वो ना ऊंघता है ना सोता है, क्योंकि कलाम में लिखा है इसराइल तेरा मुहाफिज ऊंघने का नहीं सोने का नहीं। खुदावन तू मेहरबान है, आए प्रस्तुत करें भाई जन मेरी सोचाते तू मर हम रख दे मेरे दिल दिया छोटा मेरा कर दे तू इलाज मैं तेनु याद करा मेरा कर दे तू इलाज मैं तेनु याद करा मेरी सुन ले तू फरियाद मैं तेनु शिफा देने के लिए तेरे खुदा यहां मौजूद है। आज एक एक जान पर तेरे खुदा रहम फरमा। ये जिस भाई की टांग टूटी हुई है इस पर तेरे रहम को चाहता हूं, तेरे तर्स को चाहता हूं। ओ यस सारी लगाई हुई दुश्मन अबलीस की आग जी ताली बजा के इसकी साइज कीजिए। हालेलुया यीशु के साथ हालेलुया। आज तेरी तसल्ली और तेरा इत्मीनान तेरे बच्चों में बातें हर किस न चलेंगी ये मौजू और का माता राया लाला वासी माना ये मेरी सुन ले तू फरियाद मैं तेनो याद करा आज वो आपकी सुनने के लिए मेरी सुन ले तू फरियाद मैं तेनो याद करा हालेलुया कोई नहीं तेरे बाद मैं हालेलुया Praise Lord, hallelujah. Mere sunne le tu fari
चाहते तू मरहम रखे हालेलुया दिल दिया छोटा ते ला पहरा अपना यीशु मेरी आंसू चाहते तू मरहम रखे दे मेरे दिल दिया छोटा ते मेरा कर दे मेरा कर दे तू इलाज मैं तेनु याद करा मेरा कर दे तू इलाज मैं तेनु याद करा मेरी सुन ले तू भरिया मैं तेनु याद करा अले दुनिया में भी तो सुन ले तू भरिया मैं तेनु याद करा आज बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे, रोग जाएंगे, बहुत से रोगी शिफा पाएंगे, क्योंकि वो आज मौजूद है, क्योंकि वो हमेशा तक यक्षा खुदा है। एलिया ने कहा कि अपने मबूदों को याद करो, शायद वो सफर में हो, शायद वो सो रहे हो, शायद वो काम कर रहे हो, लेकिन हमारा खुदा न सोता है न ऊँगता है, वो खुदा है जो एलिया के कहने पर आसमान से आग नाजिल करता है। हालेलुया
मुलिजम चौपा वो थकती जिंदा खुदा दज दो लगदा तख्त लगा है जो हिस्ट्री ने देखा जिस पर खुदा का जलाल है। हालेलुया दाऊद का तख्त वो तख्त था जिसको खुदावन ने कहा कि तेरे तख्त पर बैठने के लिए कभी आदमी की कमी ना होगी और उसने उसकी बादशाहत को यीशु की सूरत में हमेशा तक कायम किया। आसमानी रोटी ते मन बरसावे आसमानी रोटी ते मन बरसावे अपने तालबा दे भूख मिटावे अपने तालबा दा जोर जदो बनदा है तेरा कलाम जो जिंदगी की रोटी है ओ तो बचदा तेरा कलाम जो जिंदगी की रोटी है तेरा बदन जो दर हकीकत खाने की चीज और तेरा लहू जो दर हकीकत पीने की चीज है। अरे खुदावन तूने अपना बदन हमें दिया तूने बियाबान में इस्राएल को तो मन दिया मगर हमें अपना बदन खाने को दिया और तेरे खुदावन अपना लहू नोश फरमाने को दिया ताकि तेरे खुदावन जो कोई तेरा बदन ले और जिंदगी पाई तेरे खुदावन अपने बच्चों पर रहम करना आज तू कर ताली बजा के हालेलुया खुशी के साथ क्योंकि लिखा है कि सुस्तकुट के नाम खुदा को पसंद नहीं हालेलुया तालियां बजा कर उसकी साइज कीजिए खुशी के साथ हालेलुया उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करें है और जरूर है कि उसके परस्पर रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करें आए सब अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदावन की हम तो सुना खुदावन की प्रस्तुति करें ताकि उसके नाम को लाइक तौर पर बढ़िया से जिंदा खुदा दा जदो लगदा है सबसे जिंदा खुदा दा जदो लगदा
साडे अगे अगे जावे साडे अगे अगे होके हो चलदा मुकाम पर रहने वाली अबलीस की गंदी तस्वीरों से है।
उन फौजों से है जो आसमानी मकामों पर रहती है। अपने बच्चों पर रहम करना और आज इन्हें अपने कलाम की तेरे कदम कुदरत से अपने तेरे कदम मेहरबान बाप तेरा मसाह तेरी कुदरत तेरे बच्चों पर ठहरी रहे। ओ खुदावंत आज अपने बच्चों पर रहम करना। मैं तेरा खादम होते हुए आज तेरे बच्चों के लिए तेरी बरकत को जारी करता हूँ। तेरा कभी हाथ तेरे खुदाम तेरे बच्चों पर पड़े, तेरा हाथ जो जोरावर है, तेरा हाथ जो कवि है, तेरा हाथ जो तेरे खुदावंद एक एक जान पर बड़ा है, तो अपने बच्चों पर रहम कर और इनको आ मेरे खुदावंद होली स्पिरिट आज एक एक जान को वाकई ही में बरकत दे। ब्लेस ब्लेस मोर ब्लेस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।